फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एचपी जो एसएससी में सेक्रेटरी क्लर्क की वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के एचपी एसएससी ने, उनको डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 76 से हम स्टार्ट करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, निम्न में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक से जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 77, निम्न में से कौन सा संविधानेतर निकाय है? तो ये नीति आयोग है, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किए गए? तो कभी भी नहीं किए गए हैं, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। 79 है, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संविधान के किस संशोधन से व्यवहार करते हैं? तो 116वां जो संशोधन है उससे करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का संदर्भ है? तो इसका जो ऑप्शन सरकार की राजस्व तथा व्यय नीति, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हसरत मोनी ने दिया था, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, बंगाल का विभाजन निम्न में से किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग्स टू ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये ऑप्शन डी जो है सर विलियम्स जॉन ने की थी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते उल्लेखित है? तो ये मुंडक उपनिषद में, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। 85 है, त्रिपक्त उदाहरण का संबंध किस धर्म से? तो ये बुद्ध जो बुद्धिज्म है उससे है, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 86, NH7 निम्न में से किसको जोड़ता है? तो ये वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। 87 है, भारत में प्रथम जनगणना आयोजित किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुई थी, 87 का जो है ए आंसर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है 88, निम्न किस जिले में महाराणा सागर जलाशय स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 89, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमीरपुर में है, इसको 2002 में NIT का स्टेटस दिया गया था, उससे पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था और ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है 90, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व, तो ये 1, 2, 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है 91, किस तिथि से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला अस्तित्व में आया? तो 1 सितंबर 1970 से आया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 92, निम्न किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 93, हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो ये 1952 में हुए थे, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 94, गोची सबसे लोकप्रिय त्यौहार है? तो ये भागा घाटी में होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक लिखी है? तो ये देवराज शर्मा ने लिखी है हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक, याद रखिए। नेक्स्ट है 96, कांगड़ा जिले में काठगढ़ प्रसिद्ध है? तो ये शिवलिंग के लिए है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 97, करछम बागटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? तो ये सतलुज नदी पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 98, निम्न में कौन सी जिला चुनना पत्र की प्रचुरता है? तो ऑप्शन ए सिरमौर होगा, वैसे बिलासपुर में भी होता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो है सिरमौर में होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, और सोलन में भी होता है। तो अगर ए ही ऑप्शन में आपको तीन दिए होंगे, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, और डी ऑप्शन जो ऑल ऑफ दीज होगा, तो आप ऑल ऑफ दीज कर गए हैं इसको। नेक्स्ट है 99, 12वीं शताब्दी में हिंदुओं का राज्य किसने स्थापित किया? तो ए जो है अजय चंद ने किया था, ऑप्शन ए जो सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को एक संघ क्षेत्र बनाया गया? तो 1956 में बनाया गया था। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर लेके आता रहूँगा। थैंक यू।